नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, सैमसंग का एक मिड रेंज डिवाइस लॉन्च हो चुका है जो है सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। वैसे गाइस ये कैमरा ओरिएंटेड डिवाइस है, सो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ। एंड इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में वन ऑफ द बेस्ट कैमराज मैं बोल सकता हूँ। एंड यहाँ पे आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड गाइस ढेर सारे और भी फीचर्स है। प्री बुक अगर आप कर रहे हो इस पर्टिकुलर डिवाइस को ₹2000 का ऑफ भी मिलेगा। इफेक्टिव प्राइसिंग होती है 28,000। गाइस ये जो प्राइसिंग है, इफेक्टिव प्राइसिंग 28,000 आपको कैसे मिलेगी, वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगा। सबसे पहले गाइस यहां पे हम करते हैं इसके क्विक अनबॉक्सिंग। सो गाइस कुछ इस तरीके का काफी कॉम्पैक्ट सा बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले कंपार्टमेंट में यहां पे पावर वर्क उन्होंने प्रोवाइड किया। एंड यहां पे Type-C to Type-C चार्जिंग एंड डेटा केबल। एंड फाइनली नीचे की तरफ यहाँ पे वो एक्चुअल स्मार्टफोन। गाइज यहाँ पे हमारे पास स्टारडस्ट सिल्वर कलर में फोन है। एंड लुक एंड फील इस डिवाइस का बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे निकल के आता है। सो यस गाइज, ये है वो एक्चुअल डिवाइस। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल पे तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। सो यहाँ पे आपको One UI 5.1 उन्होंने प्रोवाइड किया है जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 13 पे। UI काफी ज्यादा स्मूथ यहाँ पे फील होता है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशंस देखने मिलते हैं, डेफिनेटली आप उन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो OS वाला पार्ट है ना, काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने मिलता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे Samsung ने गारंटेड 4 years के मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स देने का यहाँ पे वादा किया है। एंड 5 years ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही कम ब्रांड ये पर्टिकुलर ऑफर करते हैं, यू नो कमिटमेंट करते हैं अबाउट द सॉफ्टवेयर अपडेट्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एंड फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस 120Hz का डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है। डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है जब भी आप इसे यूज कर रहे हो। एंड गेमिंग में भी आप देख सकते हो डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ आपको देखने मिलेगा। एंड एमोलेड डिस्प्ले तो कलर एक्यूरेसी वाला जो पार्ट है ना इस पर्टिकुलर डिस्प्ले का बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। वाइड वाइन सर्टिफिकेशन यहाँ पे हमने चेक किया, डेफिनेटली गाइज यहाँ पे आपको वाइड वाइन L1 देखने मिलता है। नेटफ्लिक्स पे आप HDR कंटेंट भी वॉच कर सकते हो, वो भी काफी हाई रेजोल्यूशन में। एंड यहाँ पे हमने यूट्यूब को भी टर्न ऑन किया था। यूट्यूब में भी आप देख सकते हो HDR कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको देखने मिलेगा। ब्राइटनेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंडोर्स एंड आउटडोर्स विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलेगी। 800 nits की टोटल ब्राइटनेस उन्होंने प्रोवाइड किए। एंड यहाँ पे अगर मैं ग्लास प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है। सैमसंग का डिस्प्ले तो डेफिनेटली डिस्प्ले वाला पार्ट बढ़िया ही निकल के आता है। एंड जैसे मैंने बताया ना, ये कैमरा ओरिएंटेड डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। एंड फ्रंट में यहाँ पे आपको देखने मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। एंड यहाँ पे रेयर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा के हेल्प से आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो गाइस ये जो पर्टिकुलर फुटेज आप देख पा रहे हो ना, ये हमने रिकॉर्ड किया रेयर कैमरा से 4K at 30fps में। एंड यहाँ पे जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट है ना, बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है। कलर्स भी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। एंड जी हाँ गाइस, यहाँ पे हमने फ्रंट कैमरा के हेल्प से भी 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो अभी मैं प्ले करता हूँ उस पर्टिकुलर फुटेज को। सो गाइस ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, मैं फ्रंट कैम से यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K at 30fps में आउटडोर्स में। तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का आइडिया, एक वीडियो की भी आइडिया आ जाएगी एंड ऑडियो क्वालिटी भी आपको पता चलेगी। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा इसका कैसे लगा। एंड गाइज यहाँ पे हमने 108 मेगापिक्सल कैमरा की हेल्प से ना कुछ सैम्पल इमेजेस कैप्चर किए आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में एंड इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में। काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। स्पेशली यहाँ पे आउटडोर्स में क्लाउड्स वाला पार्ट आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हमने कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल में भी इमेजेस कैप्चर किए। अल्ट्रा वाइड एंगल के भी इमेजेस काफ़ी डिसेंट डायनेमिक रेंज के आपको देखने मिलते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे हमने कुछ पोर्ट्रेट इमेजेस भी कैप्चर किए। पोर्ट्रेट इमेजेस नो डाउट बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। एंड यहाँ पे आप कुछ मैक्रो इमेजेस भी देख सकते हो। सो गाइस नो डाउट रेयर कैमरा वाला पार्ट यहाँ पे सुपर इंप्रेसिव निकल के आता है। एंड यस फ्रंट कैमरा के हेल्प से भी हमने कुछ सेल्फी इमेजेस कैप्चर किए नॉर्मल मोड में, पोर्ट्रेट मोड में, आउटडोर्स एंड इंडोर्स में। एंड ये जो फ्रंट कैमरा वाला पार्ट है ना, बहुत ही इंप्रेसिव निकल के आता है। एंड गाइस अभी हम बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोसेसर की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक्सिनोस का 1380 प्रोसेसर उन्होंने प्रोवाइड किया। एंड यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है ना, वो आता है 8GB LPDDR4X रैम के साथ 256GB का UFS 2.2 स्टोरेज। सो यहाँ पे जो रीड स्पीड है ना, वो निकल के आते हैं 530 Mbps की एंड राइट स्पीड 500 Mbps की। एंड यहाँ पे आपको एक्सपांडेबल रैम का भी ऑप्शन देखने मिलता है। 8GB तक रैम आप एक्सपांड कर सकते हो, 8GB ऑलरेडी है, 8GB एक्सपांड करके टोटल 16GB ऑफ रैम। एडिशनली यहाँ पे हमने Antutu benchmark भी इसके अंदर रन किया, जहाँ पे हमें
456,000 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे एंड यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग में 87% की मैक्स परफॉर्मेंस। एंड गाइस एक्सिनोस 1380 है तो गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट करना तो बनता ही है। एंड बीजीएमआई भी अभी आ चुका है प्ले स्टोर में, तो गाइस यहाँ पे हमने बीजीएमआई गेम खेला एंड बीजीएमआई गेम में आप देख सकते हो यहाँ पे हमें स्मूथ में हाई के सेटिंग्स देखने मिल रहे थे। इसका मतलब है आप 30 FPS में बीजीएमआई गेम को यहाँ पे खेल सकते हो। गेम यहाँ पे नो डाउट बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था, बट गाइज यू नो 60 FPS का ऑप्शन होता था ना तो और भी ज्यादा मजा आता था। उसी के साथ यहाँ पे हमने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम भी खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम नो डाउट बहुत ही अमेजिंगली यहाँ पे वर्क कर रहा था एंड यहाँ पे आपको 60 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिलेंगे एंड गेम कहाँ पे भी लैग नहीं होता। एंड फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पे बैटरी की तरफ, तो गाइज इसके अंदर आपको मैसिव 6000 mAh की बैटरी उन्होंने प्रोवाइड किया, 25 watts का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी आपको देखने मिलता है, 0 to 50% 32 मिनट्स में फोन आपका चार्ज होने वाला है। 6000 mAh है यहाँ पे, 1 से 1.5 दिन डेफिनेटली इसकी बैटरी लाइफ आपको फॉर श्योर चलेगी। एंड बढ़ते डायरेक्टली स्पीकर की तरफ, तो यहाँ पे आपको डाउन फायरिंग सिंगल स्पीकर सेटअप देखने मिलता है। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट पे ना डुअल फायरिंग स्पीकर देना चाहिए था, बट फिर भी गाइस यहाँ पे हम साउंड क्वालिटी को सुनते हैं। अच्छा साउंड अच्छा है, बट वही है ना सिंगल फायरिंग है। सो गाइस नो डाउट सिंगल फायरिंग स्पीकर है, फिर भी जो साउंड आउटपुट वाला पार्ट है ना बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। एंड गाइस फाइनली हम बढ़ते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास है ना स्टारडस्ट सिल्वर कलर में स्मार्टफोन है एंड गाइस पीछे की तरफ है ना आपको ग्लॉसी फिनिशिंग देखने मिलता है। बिल्ड कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट की उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड यहाँ पे जो कैमरा प्लेसमेंट है ना उसे देख के ऐसे लगता है ये एक S सीरीज का डिवाइस है, क्योंकि गाइस लुक एंड फील बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे निकल के आता है। वही रेगुलर पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं। सिम टूल में यहाँ पे आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने मिलता है, 2 SIM कार्ड या फिर 1 SIM कार्ड एक मेमोरी कार्ड, एक्सपांडेबल स्टोरेज है अप टू 1 TB, 3.5 mm का जैक आपको देखने नहीं मिलता। एंड गाइस इस डिवाइस के अंदर है ना आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है, काफी रिस्पॉन्सिवली फोन आपका अनलॉक हो जाता है। एंड यस यहाँ पे हमने फोन को वे भी किया, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है तो फोन का वेट रफली यहाँ पे 197 grams का निकल के आता है। IP रेटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिए है, मतलब एज ऑफ नाउ तो मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से नहीं होगा इसके अंदर IP रेटिंग। सो वैसे तो गाइस वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, सैमसंग गैलेक्सी F54 5G के बारे में। गाइस इसकी जो लॉन्च प्राइस है ना वो है 29,999। अभी फिलहाल आप इसे प्री बुक कर सकते हो, प्री बुकिंग अगर आप कर रहे हो तो 999 rupees, मतलब 1000 rupees आपको पे करना है। एंड जब ये डिवाइस अवेलेबल होगा ना तभी आपको सिर्फ 28,000 में ये डिवाइस मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ 27,000 तभी भरने, क्योंकि 1000 ऑलरेडी आपने पे किए। तो इन शॉर्ट प्री बुकिंग पे 2000 rupees का ऑफ है। गाइस जितने भी सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट ये डिवाइस अवेलेबल है। एंड यस गाइस यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स का एक टैब भी देखने मिलेगा, जहाँ से आप डिफरेंट सैमसंग के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करके उन्हें परचेज भी कर सकते हो, सो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।